अक्सर जब हम गाड़ियाँ देखने जाते हैं, उसके बारे में हम फीचर्स देखते हैं, स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, तो हमें टर्म्स जो होती है मेनली हॉर्स पावर और टॉर्क बार बार आता है। और या फिर आप हमारे जैसे लोगों की यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे तो वो भी बार बार जिक्र करते हैं कि हॉर्स पावर और टॉर्क का। तो भाई ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए आज कि ये इन टर्म्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि टॉर्क और हॉर्स पावर होता क्या है गाड़ियों के नॉलेज में। तो भाई वेलकम है भाई एनवी ट्यूब पे, मैं नमन वर्मा भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का। और भाई शुरू करते हैं यार आज की वीडियो टॉर्क और हॉर्स पावर के बारे में। तो बेसिकली टॉर्क की बात करें तो टॉर्क एक फोर्स है, ट्विस्टिंग फोर्स है, किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए जो हमें फोर्स लगती है आप उसे टॉर्क कह सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक ये नट है, ठीक है, और मेरे पास एक रेंच है, इसको घुमाने के लिए, इसको ट्विस्ट करने के लिए मेरे को जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो टॉर्क में काउंट होगा, क्योंकि मेरे पास ये रेंच है, इसकी एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है, इसकी एक वो लेंथ है, तो हम उसको लेंथ को गिनेंगे और मैं जो फोर्स लगाऊंगा इस एंड से वो कम लगेगा और मैं इस दर से लगाऊंगा तो ज़्यादा लगेगा। अब आप इसको आप डेली बेसिक लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप किसी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं, वो बिल्कुल कोने से खोलते हैं या बंद करते हैं, आप बिल्कुल जहाँ पर उसका हिंज होता है अब वहाँ से बंद करोगे या फिर घर का भी दरवाज़ा आप ले पाओ तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए या खोलने के लिए। पर अगर जितना आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे उससे हिंज से, यहाँ हिंज है और यहाँ से आप खोल रहे हो गेट, तो काफ़ी कम डिस्टेंस आपको फोर्स लगाना पड़ता है, तो इसे हम टॉर्क कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर गाड़ियों पे आएंगे। तो एक और एग्जांपल ये हो गया, सपोज मैं जिम में जाता हूँ, ठीक है, और आप जिम में जाके एक डंबल उठाते हैं, 20 kg का डंबल है फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो उसको कुछ घुमाने के लिए जो फोर्स लग रही है वो टॉर्क है, ठीक है, और मेरे को पूरी जान लगानी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन एक मेरे से ही बड़ा कोई पावर लिफ्टर है, ठीक है, उसके लिए तो वो आसान है ना, तो यहाँ हॉर्स पावर का काम आ रहा है कि वो कितनी बार वो कर सकता है, तो यहाँ पे हम कट लेते हैं। और एक और बात बताते हैं टॉर्क के बारे में, हॉर्स पावर पे बाद में जाएंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स जो लग रही है डिस्टेंस इतनी दूर से, सपोज़ मैं 50 newtons का टॉर्क पावर फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका डिस्टेंस है मेरा यहाँ से आधा मीटर मान लो, तो आधा मीटर आपका टोटल टॉर्क कितना होगा, 25 Nm, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा टॉर्क निकाला जाता है, टॉर्क का ही फॉर्मूला है। अब गाड़ियों के केसेस में आते हैं, केस सिनेरियो में, तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के अंदर टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े इंजन है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन, जो भी इंजन है, लेकिन उसके अंदर टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, भारी मात्रा में टॉर्क है, पर उसकी टॉप स्पीड कम है, समझ पा रहे हो, वो 500 किलो तो खींच लेगा पर वो 100 की स्पीड भी क्रॉस नहीं कर पाता। रादर देन अब यहाँ पे आप मारुति 800 देखो, वो 100 किलो से ज़्यादा नहीं खींच पाएगी एक्स्ट्रा, पर वो 100 से भी ज़्यादा स्पीड गेन कर पाएगी, तो वहाँ हॉर्स पावर काम आ जाती है। तो हॉर्स पावर का फॉर्मूला ये होता है, बेसिकली आप टॉर्क जो लगा रहे हो वो फोर्स इंटू RPM। अब RPM क्या होता है, रेवोल्यूशंस पर मिनट या रोटेशंस पर मिनट, या आपके टायर की रोटेशन या रेवोल्यूशन नहीं है, या आपके इंजन के क्रैंकशाफ्ट की रोटेशंस होती हैं, इसको हम RPM बोलते हैं, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 to 5 to से। ये कर्व है बेसिकली हॉर्स पावर कर्व, इसको ना भी करो तो आप बेसिकली ये सोचो, इसके बारे में आप ये सोचो कि हॉर्स पावर कुछ नहीं है, सिर्फ उस काम को जल्दी जल्दी करने के लिए जो हमें पावर चाहिए होती है उसे हम हॉर्स पावर कहते हैं, सिंपल फंडा ये। अब हॉर्स पावर कहाँ काम आती है और किस लिए काम आती है, आपने देखा होगा पेट्रोल इंजन्स जो होते हैं वो उनमें हॉर्स पावर ज़्यादा होती है, तो आप जैसे नॉर्मल हाईवेज हैं, सिटीज़ रोड हैं, तो उनमें हमें टॉर्क की इतनी खास नीड नहीं है, क्योंकि है ना तो हमें फ्लाईओवर पे चलाना, ठीक है, और ना ही मतलब मेनली हमें हिल्स पे नहीं चलाना, हमारे पास प्लेन रोड है, हमें इतनी टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, ना हमें लोडिंग करनी, तो वहाँ पे पेट्रोल इंजन ज़्यादा कामयाब है, उनमें हॉर्स पावर ज़्यादा होती है, आपको हाई स्पीड अचीव करने में ज़्यादा मदद मिलती है। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको हिली एरियाज़ में ज़्यादा चाहिए और आपको पुलिंग फोर्स चाहिए तो लोग डीजल इंजन्स की तरफ जाते हैं, बड़े इंजन्स की तरफ, जिनकी टॉप स्पीड तो ठीक ठाक कम होती है पर हाँ, लेकिन टॉर्क ज़्यादा होता है, खींचने की पुलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने अपने यूसेज के हिसाब से हम टॉर्क या हॉर्स पावर वाली गाड़ियाँ लेते हैं।
अब आपको एक और एग्जांपल दिया जाए तो ऐसे लेते हैं कि जो डीजल इंजन्स है उनमें टॉर्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कंप्रेशन रेशोज़ भी ज़्यादा होता है। इसकी एक अलग वीडियो है, वो चैनल पे आने वाली है, पेट्रोल वर्सेस डीजल इंजन्स, तो वो भी बिल्कुल फॉलो करना और देखते रहना। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो यही बात है। और हमें कैसे गाड़ी लेनी चाहिए, कुछ कंपनीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक 150 HP की गाड़ी है, 150 हॉर्स पावर की, जो 200 Nm टॉर्क बनाती है। टॉर्क मुझे चाहिए, क्यों चाहिए मेरे को? वो स्पीड अचीव करनी है, टोटल हॉर्स पावर जल्द से जल्द, ठीक है? सपोज़ एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास गाड़ी में टॉर्क 0 है, 1 Nm का टॉर्क है गाड़ी में, और हॉर्स पावर 500 है, तो उस 500 हॉर्स पावर को पूरी अचीव करने के लिए उसमें टाइम कितना लगेगा? मतलब 100 की स्पीड मेरी गाड़ी की टॉप स्पीड है हॉर्स पावर में, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और मेरे पास है टॉर्क काफ़ी कम, ठीक है? तो वो 100 अचीव करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा। और यहीं अगर मेरे पास टॉर्क ज़्यादा है, 200 Nm का टॉर्क है और सिर्फ मामूली सी HP है, 50-60 HP है, तो मैं मतलब 100 की स्पीड है टॉप स्पीड, तो मैं 100 की स्पीड काफ़ी जल्दी अचीव कर पाऊँगा। ये आप कह सकते हो टॉर्क का फ़ायदा होता है कि आप जल्द से जल्द अचीव कर पाओगे टॉप स्पीड, और हॉर्स पावर का फ़ायदा कि आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो गाड़ी का कुछ इस हिसाब से आपको बैलेंस लेना चाहिए, जोन सी आपको परफेक्ट मिले। अब ये ब्रांड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ ब्रांड्स एफिशिएंट कार्स बनाते हैं, जैसे माइलेज एफिशिएंट कार बनाती है मारुति, तो वो फर्स्ट और सेकंड गियर तक तो सही भागते हैं, तीसरे फोर्थ गियर में थोड़ा सा उन्हें लैग रहता है, ठीक है? रादर देन आप यहाँ पे वॉक्स वैगन या स्कोडा लोगे तो वो तीसरे गियर से तो ऐसे पिकअप करते हैं जैसे कुछ क्या ही हुआ, जैसे अभी तो उनमें अभी शुरुआत हुई है, ठीक है? तो अलग अलग रहता है, आप ब्रांड ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ले सकते हैं या माइलेज ओरिएंटेड आप गाड़ियाँ ले सकते हैं। अब इसमें एक और केस लेते हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं टॉर्क को ना, तो टॉर्क को हम कैसे चेंज करते हैं? सिर्फ गियर रेशियोज़ की वजह से। अब मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी 1 मीटर की हाइट है, इसकी एक या आधे मीटर की लेंथ है, अगर मैं इसकी 1 मीटर की लेंथ कर दूँ, रेंच की 1 मीटर की लेंथ कर दूँ, या मेरे हाथ की 1 मीटर लेंथ कर दूँ, तो मेरे को फोर्स कम लगाना पड़ेगा उसको उठाने में, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस बढ़ा दिया, मेरे को फोर्स कम लगाना पड़ेगा, उतना ही मेरा वर्कलोड हो जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं गियर रेशोज़ के थ्रू। जैसे हमें फर्स्ट और सेकंड गियर हमारे काफ़ी टॉर्की गियर्स होते हैं, और जैसे हमें फ्लाईओवर पे चढ़ानी है, हमें पुलिंग पावर ज़्यादा चाहिए, तो हम फर्स्ट सेकंड में लगाते हैं। फ्लाईओवर पे आप फोर्थ फिफ्थ गियर में शुरुआत नहीं कर सकते, गाड़ी स्टॉल हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये भी हमारे साथ एक इशू रहता है, इसलिए गियर बक्सा दिया जाता है। अब लोग कहते हैं ऑटोमेटिक्स में क्या होता है, तो भाई ऑटोमेटिक में भी भाई गियर्स होते हैं, पर वो आपको नहीं लगाने पड़ते, वो गाड़ी खुद लगाती है। 7 स्पीड ऑटोमेटिक, 9 स्पीड ऑटोमेटिक, DCT, और बहुत सारे हैं, DSG गियर बॉक्स, बहुत सारे गियर बॉक्स हैं, अपने हिसाब से आते हैं, AMT भी आता है, इनफैक्ट CVT भी आता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी, मतलब ये लगा लो कि गियर बॉक्स तो होते ही हैं, पर उनमें गियर्स होते हैं, चाहे आप ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, गियर बॉक्स होते हैं, गियर्स होते हैं, तभी आपको टॉर्क मिल पाता है सही टाइम पर, और सही टाइम पर आपको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टॉर्क कम होकर हॉर्स पावर भी बढ़ा दी जाती है। तो ये ऐसे इस हिसाब से गियर रेशोज़ काम करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन, इंजन तो वही पावर बनाएगा पर आपके गियर रेशोज़ काफ़ी डिपेंड करते हैं। तो आपको गाड़ी लेनी है तो भाई टॉर्क की गाड़ी लेनी है, घाट्स पे चलना है फ्लाई, और मेनली पहाड़ों पे रन है, माउंटेन्स पे रन है, तो आप डीजल की तरफ जाएं, उनका टॉर्क ज़्यादा रहेगा, तो आपको बार बार स्टॉल होने की, जो गाड़ी स्टॉल हो जाती है, बंद हो जाती है या फिर छड़ती नहीं है, वो इश्यूज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सिटी में ड्राइविंग करनी है तो आपके लिए पेट्रोल गाड़ी मोर देन इनफ है, कोई भी आप पेट्रोल गाड़ी ले, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए तो पेट्रोल टर्बो चार्ज ले लीजिए, जैसे अभी वॉक्स वैगन की वोल्टस आ रही है, स्कॉडा स्लाविया आ रही है, तो मोर देन इनफ है, और वो पेट्रोल टर्बो में भी है, तो परफॉर्मेंस भी है, टॉर्क भी है, मज़ा आ जाता है गाड़ी चलाने में। उनकी वही कोई वो नहीं है ब्रांड प्लेसमेंट, पर हाँ मेरी एक पर्सनल चॉइस है। आप देख सकते हैं पेट्रोल टर्बोचार्ज अगर परफॉर्मेंस चाहिए सिटीज़ में, डीजल में आप ना ही जाएं तो ज़्यादा ही बेटर है आज की डेट में, जैसे BS6 Phase 2 आने वाला है, आधे ज़्यादा गाड़ियां तो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, बहुत लिमिटेड गाड़ियां ही रह गई हैं अपने पास ऑप्शंस में डीजल में। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।